हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैंने पहले एक पोस्ट किया था कि मैं अपने डिज़ायर्ड जॉब को कैसे मैंने अट्रैक्ट किया, उसकी स्टोरी बताऊंगी। तो लिटरली इसमें मैंने दो चार चीज़ों को मैंने अप्लाई किया। सबसे पहले तो इंटेंशन सेटिंग आता है कि आपको इंटेंशन सेट करने हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों तक, कुछ दिनों तक मैं घर पे थी क्योंकि मेरे बच्चे को मैं देख रही थी। मेरे बच्चे काफ़ी छोटे थे एंड मुझे अपने बच्चों को पहले देखना था, थोड़े बड़े हो जाएं उसके बाद मैंने कुछ दिनों का ब्रेक लिया था। तो सबसे पहले तो मैंने इंटेंशन सेटिंग की कि नाउ आई एम रेडी फॉर दिस एंड दैट। उसके बाद मैंने स्क्रिप्टिंग को अप्लाई किया, स्क्रिप्ट लिख लिया, वो कॉपी मेरे पास अभी कहीं पे होगी, लिख लिया। इवन मैंने उसे फोकस व्हील में भी उसे मेंशन किया है। तो लिख लिया और उसके बाद मैंने लेट गो कर दिया। वहाँ जाके मैंने जॉब सिचुएशन, जो मेरी डिज़ायर्ड जॉब थी, वहाँ जाके मैंने अप्लाई किया एंड उन्होंने भी बोला कि ऑफ कोर्स जब भी मुझे रिक्वायर्ड वैकेंसी रहेगी आई विल कॉल यू। एंड उसके बाद मैंने लेट गो कर दिया। लेट गो कर देने के बाद भी वो सबकॉन्शियस माइंड में रहता है, बैक ऑफ द माइंड में वो चीज़ें रहती हैं। एंड उसके बाद मैंने वो नेवल गोडार्ड के उस प्रिंसिपल को मैंने अप्लाई किया, जो उनके बारबाडोस जर्नी के बारे में है कि नेवल को जब बारबाडोस जाना था, उन्होंने अब्दुल्ला से बोला कि मैं मुझे बारबाडोस जाना है, अपने भाई बहनों से मिलना है। देन अब्दुल्ला ने कहा था कि तुम तो वहाँ हो। बस उसी फॉर्मूला को मैंने अप्लाई किया कि मैं वहाँ जा रही हूँ, मैं इतने बजे घर से निकली, इतने बजे वहाँ पहुँची, उसके बाद बच्चों को मैंने कैसे सेटल किया, बच्चों को देखने के लिए मेड को मैंने अरेंज कर लिया, इतने बजे बच्चे स्कूल जाएंगे, इतने बजे आएंगे, वो सारी चीज़ें मैंने पहले मेंटल पिक्चर मैंने बनाई। उसके बाद मैं वहाँ पहुँच गई, कैसे मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ, क्योंकि वो सेकेंड फ्लोर पे है, तो मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ। उसके बाद मैंने गेट खोला, ये लोग मिले, मैंने ऐसे वेलकम किया, पहले लिस्ट देखी कौन कौन से पेशेंट्स हैं, उसके बाद मैंने सबकी हिस्ट्री ली, उसके बाद मैंने राउंड लिया एंड मैंने ये ड्रेस एप्रन पहनी, क्योंकि काफ़ी दिनों तक जब मैं घर पे थी तो सारी चीज़ें जो मैंने स्टेथोस इक्विपमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें मीन्स संभाल के रखी हुई थी, उन सारी चीज़ों को मैंने निकाला है एंड फिर से उसको रीअरेंज किया है। तो वो सारी चीज़ें ये लोग मिले, ऐसे मैंने किया। इमरजेंसी में कोई पेशेंट्स आया तो मैं कैसे देखूंगी, बीच में भूख लगेगी क्या मुझे, कैसे मैं अपना खाना कैसे अरेंज करूंगी, टिफ़िन क्या ले जाऊंगी और कितने बजे निकलूंगी, कितने बजे आऊंगी, कौन कौन से लोग मिलेंगे, सारी चीज़ें मैंने मेंटल पिक्चर बिल्कुल बना रखी थी कि मैं वहाँ फील करती थी लिटरली कि मैं वहाँ पे हूँ। ये उन सारे वहाँ के सारे लोगों को मैं विजुअलाइज करती थी एंड ऐसे ही जस्ट इजी वे में, कोई ऐसा डेलिब्रेट नहीं, बस मैं मोस्टली सोने से पहले या फिर कभी भी मेडिटेशन में तो मैं विजुअलाइज करती थी उन सारी चीज़ों को एग्जैक्टली एंड जस्ट ईजी वे में एंड लेट गो कर दिया था। उसके बारे में मुझे कोई डेस्परेशन नहीं था कि कब वहाँ से कॉल आएगा, कब क्या होगा, जस्ट आई वॉज थिंकिंग कि आई एम रेडी फॉर इट एंड उन सारी चीज़ों को मैं विजुअलाइज करते रही एंड विथ एक बैक ऑफ द माइंड में एक इंटेंशंस था कि नाउ आई एम रेडी फॉर इट और अब मुझे ऐसे ऐसे करना है एंड पूरी तरह से मैं वाइब्रेशनली खुद को तैयार कर रही थी। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन वो फ्रिक्वेंसी मैच हुई मुझे कॉल आया एग्जैक्टली सेम जगह से, क्योंकि मैंने दो चार जगह अप्लाई किए थे लेकिन मेरी इंटेंशंस थी कि उस पर्टिकुलर जगह पे, क्योंकि वो मेरे घर से नज़दीक है एंड ऑफ कोर्स मेरी फेवरेट प्लेस है, तो वहाँ पे ही मेरी एक डिज़ायर थी, वहीं से मुझे कॉल आया एग्जैक्ट सैलरी के साथ एंड रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। सो ऐसे ऐसे मैंने अट्रैक्ट किया। सो इसी फॉर्मूला को जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो एग्जाम के लिए, तो सबसे पहले एक डीप इंटेंशन सेटिंग, जिसे गोल सेटिंग कहते हैं, उसके पहले इंटेंशन सेट किया, स्क्रिप्टिंग कर ली, क्योंकि जब आप स्क्रिप्टिंग करते हैं तो उसमें पूरी तरह से एनर्जी को लगाते हैं, एक फोकस जाता है एंड देन उसे जब आप लेट गो करते हैं तो वो जो एक डेस्परेशन होता है, डेस्परेशन को पूरी तरह से आप रिलीज कर देते हैं। लेट गो करने का ये मतलब नहीं होता है कि लोग कहते हैं लेट गो कैसे करें जबकि इतनी सीवियर डिज़ायर है,
लेट गो करने का मतलब होता है अपने आप को रिलैक्स करके उस वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी पर पहुंचाना। सो इसीलिए लेट गो करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो जो एक लैक और डिस्परेशन की फीलिंग्स निकल जाती। मैं बहुत रिलैक्स थी एंड आई वॉज जस्ट वेटिंग फ्रॉम माई इनसाइड के जस्ट आई वॉज विजुअलाइजिंग वेरी रिलैक्स्ड स्टेट कि मुझे ऐसा लग रहा था, एक अंदर फीलिंग्स आ रही थी एंड फीलिंग इज़ द सीक्रेट। फीलिंग नेवल गुडार्ड कहते हैं फीलिंग इज़ द सीक्रेट। एंड वन डे वहाँ से कॉल आता है विद द सेम फ्रिक्वेंसी सेम थिंग, और ऐसा लगा जैसे कि उन चीज़ों को जिसे मैं जी रही थी वो सब कुछ मेरे सामने था। तो यही काम, जो लोग चाहे आप जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले इंटेंशन सेट कर लें, उसे लिख लें ज़रूर पेपर में एंड विथ डेट के साथ लिख लें। लिखने से कि आपकी पूरी फोकस जाती है एंड देन उसके बाद आप कुछ सबसे ज़्यादा फोकस करें विजुअलाइजेशन पर, क्योंकि जैसे जैसे जितनी विजुअलाइजेशन आपकी स्ट्रांग होगी आपको एफर्ट उतने ही कम लगेंगे। यानी कि आपको जॉब के लिए मेहनत ज़्यादा मेहनत कम लगेगी एंड जब आप वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी में आ जाएंगे तो वो एफर्ट्स कम लगेंगे, रिजल्ट्स ज़्यादा दिखेगा। सो जब आप किसी जॉब की किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ने पे ऑफ कोर्स चैप्टर कंप्लीट करने पे आपको एफर्ट्स लगाने होंगे, बट वो विजुअलाइजेशन में आप ज़्यादा एफर्ट्स लगाएं वो आपके एफर्ट को ईजी कर देगा, आपकी पढ़ाई को एफर्टलेस बना देगा, आपको उठने में अपने आप को मीन्स ये अपने आप को पुश नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो विजुअलाइजेशन जब पूरी तरह से स्ट्रांग बन जाएगी एक अलार्म पे आप उठ जाएंगे। होता ये है कि जो लोग कहते हैं कि पढ़ाई में नींद आती है, सुबह नींद नहीं खुलती है क्योंकि उनकी विजुअलाइजेशन इतनी स्ट्रांग नहीं होती। तो पहले अपने आप को वाइब्रेशनली तैयार करें, फिर फिजिकल वर्ल्ड में आपको इतने से एफर्ट्स लगेंगे, इतना सारा रिजल्ट दिखेगा। जो कि अब्राहम हिक्स कहती है कि जब आप अलाइनमेंट में होते हैं तो मैनिफेस्टेशन इतना इजी होता है जितना कि ब्रश करना। तो पहले अपने आप को अलाइनमेंट में लाएं। मुझे जब कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करना होता है मैं पहला काम करती हूँ अपने अलाइनमेंट में ध्यान देना। मैं पहले देखती हूँ कि मैं उस चीज़ की अलाइनमेंट में हूँ या नहीं। एफर्ट मैं बाद में लगाती हूँ, पहले एफर्ट में लगाती हूँ अपने आप को उसकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी के अलाइनमेंट मिलाने की। फिर तो इतना सा एफर्ट्स में इतना सारा रिजल्ट दिखता है। होप यू लाइक इट। इसे आप अप्लाई करें किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, किसी रिलेशन को सुधारने के लिए, किसी हेल्थ कंडीशन को सुधारने के लिए। इंटेंशंस, स्क्रिप्टिंग, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन, 3-4 चीज़ें हैं जो आपके किसी भी काम को आसान करने के लिए काफ़ी हैं। होप यू लाइक इट। इफ़ यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर ब्यूटी ज़हीर, ए डॉक्टर, ए सिविल सर्विसेज मेंटर, ए लाइफ कोच, हेल्थ कोच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।